सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने फिर से देश में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भीम आर्मी के एक प्रदेश अध्यक्ष द्वारा क्षत्रिय समाज पर अभद्र टिप्पणी की गई है। पूर्व में भी भीम आर्मी के द्वारा हिंदू देवी देवताओं, महापुरुषों एवं अन्य जातियों के संबंध रखने वालों के ऊपर भी कई तरह के अभद्र टिप्पणी किए जा चुके हैं, जिससे समाज में बेमानसता फैलती है और विवाद की स्थिति निर्मित होती है। ताजा मामला भी कुछ इसी प्रकार का है, जिसमें भीम आर्मी के एक प्रदेश प्रमुख द्वारा क्षत्रिय समाज पर टिप्पणी की गई है, जिसका संपूर्ण देश में जगह जगह अनेक संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। खनिया थाना में भी क्षत्रिय महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अन्य संगठनों के साथ मिलकर खनिया थाना थाने में आवेदन दिया और दोषी पर शीघ्र से शीघ्र उचित कार्यवाही करने की मांग की। क्या नाम भैया? मेरा नाम भैया राजा परमार। भैया जी, आपने अभी एक आवेदन दिया है खनिया थाना थाने में, क्या मामला है और क्या आवेदन आपने दिया है? मामला यह है कि खनिया थाना में जो अभी आवेदन हमने दिया है उसमें लिखा है साहब का, ये महक सिंह नाम का कोई व्यक्ति है, यह मतलब क्षत्रिय समाज अन्य समाजों को बांटने का काम कर रहा है। हर बार धर्म के प्रति, जाति के प्रति अलग अलग मतलब टिप्पणियाँ करके इनका बंटवारा करना चाहता है, तो इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कोई कार्रवाई नहीं करता अभी भी प्रशासन, तो अगर कोई कार्रवाई इस पर नहीं करता है तो हम लोग क्षत्रिय समाज और बाकी अन्य समाज मिलकर एक उग्र आंदोलन करेंगे और अपनी दम पर उसको फिर बताएंगे क्या करेगा वो। अभी आपने जो आवेदन दिया है ये क्षत्रिय समाज ने दिया है सिर्फ या अन्य समाजें भी साथ में? क्षत्रिय समाज एवं अन्य समाज सबका समर्थन है आवेदन में। क्या नाम भैया आपका? पृथ्वीराज सिंह। पृथ्वी सिंह जी, अभी ये जो आपने आवेदन दिया है खनिया थाने में, क्या मामला है और आपने क्या मांग की है? ये जो यहाँ पर खनिया थाना परिसर में जो दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है, ये केवल क्षत्रिय समाज ने ही नहीं अन्य समाजों ने मिलकर ये ज्ञापन दिया है। क्या मामला था? मामला ये है कि किसी आपके महक सिंह के द्वारा, जो कि आर्मी भीम आर्मी का कोई सदस्य है, और उसने एक विशेष करके एक समाज को टारगेट किया, क्षत्रिय समाज को टारगेट किया है, और जिससे क्षत्रिय समाज की भावनाएं काफ़ी आहत है। अभी आपने जो आवेदन दिया है इसमें क्या प्रशासन से मांग की है? प्रशासन से मांग ये की है कि क्षत्रिय समाज और समस्त समाज ने ये मांग की है कि ऐसे व्यक्ति को, तो क्योंकि हमारा संविधान भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है जिस तरीके से एक समाज को अभद्र टिप्पणी की जाए, तो हम लोग यहाँ पर सभी उनसे FIR की मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर FIR होनी चाहिए। अगर अभी भी FIR नहीं की जाती है यहाँ पे खनिया थाने से, अगर FIR नहीं होती है तो आप ये मान लीजिए, क्योंकि जैसे अन्य प्रदेशों में भी रोष देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग सभी समाज उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर रहेंगे। आपके द्वारा जो आवेदन दिया गया इसमें कौन कौन से संगठन शामिल है? इसमें हमारे क्या नाम है, समस्त राजपूत समाज है, आपके करड़ी सेना है, और आपके अन्य संगठन जो सामाजिक संगठन है उनकी भी काफ़ी भूमिका है।